बोड़ा नगर की बदहाल सड़कों को लेकर अब रहवासी मैदान में आ गए। बोड़ा नगर परिषद की उदासीनता और लापरवाही का खामियाजा नगर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। बोड़ा बस स्टैंड से लेकर नरसिंहगढ़ जाने वाला मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया और गड्ढों में पानी भर जाने के कारण कई छोटे बड़े हादसे आए दिन होते रहते हैं। भारी बारिश के चलते सड़कें नालों में तब्दील हो गई, जिसको लेकर आज नगर वासियों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता। आपका नाम? मेरा नाम देवेश यादव। आपने ये जो यहाँ पे पौधारोपण किया है पानी में गड्ढों में, किस संबंध में किया है? हमने पौधारोपण इस संबंध में किया है कि यहाँ के बोड़ा नगरी प्रशासन की आँख खुले और ये गड्ढे का भराव भी हो जाए, क्योंकि बोड़ा बस स्टैंड से तो नरसिंहगढ़ रोड पानी की टंकी का जिससे गड्ढे हो रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है, नगरी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रही है, ना यहाँ पे नाली बन रही है। ये पानी आपके सामने भरा है, आए दिन रोज में कोई ना कोई गिर पाए गड्ढों में। बहुत दुर्घटना हो रही है, कल भी हुई थी यहाँ पे दुर्घटना एक लेडीज के साथ। इस संबंध में सीएमओ साहब से बात किया आपने? मैं सीएमओ साहब से अगवा करवा दिया था सीएमओ साहब को, लेकिन उन्होंने बारह महीने बाद हो चुके हैं, 12 महीने से अभी तक उन्होंने हमारी बात को कोई ध्यान में नहीं लिया, बस वो टाल देते हैं हर बार। यहाँ दुर्घटना भी हो चुकी है, टन पानी भर गए, यहाँ से हटे ही नहीं पानी, मैं निकल के जाऊँ घर से तो भी अजीब तरह बच्चा बच्ची अलग पड़ जा। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, बोड़ा के निवासी हो? हाँ। कौन से वार्ड क्रमांक के? 15।